जलाधार के कृषि विभाग अधिकारी और मानवर के राजस्व विभाग तहसीलदार की टीम ने छापामार नकली खाद बनाने पर गोदाम में अलग अलग केमिकल और खाद की प्रिंट वही कट्टी और ब्रांडेड कंपनी खाद से भरे हुए कट्टी मिले हैं। बता दें कि पिछले कई वर्षों से नकली खाद बनाने का संचालित कर रहे थे। वही जैनपुर जिला कलेक्टर पंकज सिंह ने कार्रवाई की है। जिले भर में हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि हमारी मीडिया टीम ने गत 4 महीने पहले ही किसानों के साथ धोखाधड़ी कर नकली खाद बेचने की खबर प्रकाशित की थी, जिस पर आज जिला कलेक्टर डॉक्टर पंकज जैन ने निर्देशन में हजारों की संख्या में खाद से भरी बोरियां और मिलावटखोर जैन पर मुकदमा पंचनामा बनाकर दुकान को सील कर दिया है। जिस जगह से नकली खाद बनाया जाता था उस कारखाने में मिलावटी करने वाली सारी सामग्री भी मौजूद मिली है, जिससे यह जिलाधिकारी ने बताया है कि प्रतीत होता है कि यहां पर अवैध रूप से नकली खाद बनाया जाता था, जिस पर नियम अनुसार वैधानिक कार्यवाही पर FIR दर्ज करके नियम अनुसार कालाबाजारी करने के मामले में वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। लगा लगा तू तो पकड़ पकड़ा ज्यादा पकड़ो दो है दो चलो सर नाम बता दे सर। मैं उप संचालक कृषि ज्ञान सिंह मोहनिया मनावर स्थित फतेहलाल विजयलाल की जो फर्म है उसके प्रोप्राइटर पंकज जैन हैं, और पंकज जैन की फर्म को अचानक हम लोगों को शिकायत हुई थी, बाहर से आई थी शिकायत, और शिकायत के आधार पर हम लोगों ने इसको तस्दीक करना चाहा और संबंधित फर्म प्रोप्राइटर को पहले बुलाने की कोशिश करी, किंतु उनके पिताजी आए। पिताजी के आने के बाद में जो यश भाई है वो भी नहीं आए और दोनों फ़ोन बंद कर लिए। ऐसी स्थिति में फर्म के मेन गेट की तरफ हम लोगों ने वहाँ पर तहसीलदार मनावर की उपस्थिति में ताले को हमने तोड़कर अंदर प्रवेश करा, पंचनामा बनाकर अंदर प्रवेश करा, और अंदर प्रवेश करने के बाद में जब देखा गया तो काफ़ी बड़ा गोदाम है जिसमें अस्त व्यस्त बिखरी हुई काफ़ी बोरियाँ हैं, जिसमें यूरिया खाद भी है, DAP खाद भी है, माइक्रो न्यूट्रेंट भी है, सिंगल सुपरफास्फेट भी है, क्रोम भी है, और भूमि सुधारक भी है। विशेष तौर पर ये देखने में सामने आया कि जहाँ DAP खुला हुआ रखा गया था और DAP जो भूमि सुधारक है भूमि सुधारक और उसका एक प्रोम है, दोनों को मिक्स करके उसका DAP के बैग में पैक किया जा रहा था, और DAP NFL कंपनी का किसान DAP के नाम से पैकिंग हो रही थी, जिसमें खाली बोरे भी यहाँ पर दिखे गए, जो फ्रेश बोरे हैं वो दिखे गए हैं, और इसके साथ में जो थप्पी लगाई गई वो एक शंका के ताहिर पर यही कहा जा सकता है कि वो भी मतलब ये रीपैकिंग करके उसको किया जा रहा था, जिसको विशेष तौर पर प्रोम और भूमि सुधारक है जो DAP की श्रेणी में नहीं आता है और सस्ता रहता है, और इसको 1350 में पैकिंग हो रही है, तो डबल भाव में इसको बेचने की रीपैकिंग करके इसी कोशिश की जा रही है। अभी वर्तमान में हम लोगों ने यहाँ पर अंदर प्रवेश करा और मुख्य तौर पर हमको ये देखने में मिला कि ये जो यहाँ पर रीपैकिंग हो रही है और जो नकली DAP के नाम से दिया जा रहा है, और इसको हम आगे पूरा ये यहाँ पर अवलोकन करने के दो उपरांत वहाँ पर ले जाके हम लोग कल से पूरी कार्रवाई इसको स्टार्ट करेंगे। अभी ताले सील करे गए हैं और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में ताले लगाए गए हैं, और यहाँ पर कल से पूरी कार्रवाई होगी, जिसकी मतलब एक एक बोरी काउंट करके जब्ती में लिया जाएगा और जब्ती करके सैंपलिंग करके फिर आगे कार्रवाई की गई, और जहाँ अमानक होगा तदुपरांत और बड़ी कार्रवाई होगी। हम RC खतेड़िया तहसीलदार मनावर, आज माननीय कलेक्टर महोदय एवं माननीय SDM महोदय के मार्गदर्शन में और निर्देश अनुसार जिले से डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर के नेतृत्व में टीम आई थी। उस टीम के साथ में हमारे द्वारा आज फतेहलाल विजयलाल नाम की फर्म पर कार्रवाई के लिए उपस्थित हुए थे। उपस्थित होने पर पाया कि यहाँ पर ताले लगे हुए थे आगे पीछे, और ताले लगे होने के कारण हमारे द्वारा पंकज जी जैन एवं उनके सुपुत्र दोनों को फ़ोन पर बुलाया गया। पंकज जी जैन मेरे समक्ष उपस्थित हुए थे, किंतु उनके द्वारा कोई बहानेबाजी कर कर वो कहीं निकल गए, और उनके जो सुपुत्र थे वो बोल रहे थे कि मैं उगाही पे जा रहा हूँ गया हूँ, और गोडाउन की चाबी उनके पास होना बताया गया।
जब हमने फ़ोन लगाया था तब उन्होंने उनकी लोकेशन गणपुर बताया था। गणपुर बताने के बाद उन्होंने बोला कि मैं आता हूँ चाबी लेके, किंतु हमारे द्वारा 2 घंटे तक उनका वेट किया गया। वेट करने के बाद बार बार दूरभाष पर उनसे संपर्क करने का प्रयास किया गया, फिर भी वे नहीं आए और जो पंकज जी जैन थे वो भी अपने घर से गायब हो गए। ऐसी स्थिति में शंका की सुई उत्पन्न होने के कारण हमारे द्वारा हमारे जो पत्रकार बंधु हैं एवं आसपास के लोग हैं उनके समक्ष हमारे द्वारा चाबी जो एक चाबी थी हमारे पास उनसे उस चाबी से उसको ताले को खोला गया। ताले को खोलने पर गोडाउन के अंदर प्रवेश किया गया और समस्त मीडिया बंधु हमारे प्रिंट मीडिया एवं हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उनके साथ में पूरा प्रवेश किया गया। प्रवेश करने के बाद पूरे गोडाउन की तस्दीक की गई और हमारे जिले से जो टीम आई थी डिप्टी डायरेक्टर साहब के नेतृत्व में उनके द्वारा पूरी कार्रवाई की गई है और अमानक रूप से जो भी खाद निर्मित किया जा रहा था उसके संबंध में बहुत सारी सामग्री यहाँ प्राप्त हुई है, जिसमें कलर भी प्राप्त हुआ है काला कलर और जो अपने रेत मिली है, नमक मिला है और भी कई प्रकार की जो सामग्री मिली है जैसे थैली सिलने की और अन्य प्रकार की जो नकली थैली तैयार करने के जो ब्रांडेड जो अपने थैली है यूरिया अपने DAP की उसमें भरने की थैलियां भी खाली मिली है। इससे इस और ऊपर सीमेंट की थैली भी है, करीब 50 के आसपास सीमेंट बोरी है और कुछ पीसने के लिए आटा चक्की भी रखी हुई है। इस प्रकार की जो समस्त सामग्री मिलने से यह अपने बिल्कुल संभावित है और यह पूरा ध्वनित होता है कि यहाँ पर कुछ नकली प्रकार का DAP तैयार करने का कार्य किया जा रहा है और अमानक प्रकार का जो DAP तैयार हो रहा है जिससे हमारे हजारों किसान बंधुओं को हो सकता है बहुत नुकसान हो रहा हो। और आज जो निर्देश मिले थे